रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पंद्रह मिनट में 15 साल कैसे समेटूं मैं? जिंदगी का कौन सा हिस्सा चुनूं? How am I going to do now? You're going to get up and you're going to move on. By the way, अपने डैड की लिविंग गर्लफ्रेंड को हेलो बोलो। वैसे भी टू नाइट स्टैंड अब नाइट स्टैंड बन गया। पता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भार क्या है? तुम। और रही मेरे रिश्ते की बात, तो f**k you. Actually, f**king him is much better. You know, I actually feel तुम्हें कुछ और दिन रहना चाहिए था। उसने मेरी बॉब को मार दिया। शिवा आंटी को भी बर्बाद कर देगा। तारा ने आजादी दी थी, कहा था कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, एंड शी वाज राइट। हर किसी को दूसरे मौके की जरूरत होती है। अब जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं इसे गंवाऊंगी नहीं। मॉर्निंग। मॉर्निंग। Hi. Good morning. Good morning. Breakfast? Me. Fridge man. Yeah. Kuch khao. Ehsaas tera kuch is tarah. Bachche. Ah, mere teen hain. Tumhare? शाम की गहराइयों में डूबा चला गया कुछ इस तरह, ये पल हसीन बांट ले। सुबह सुबह कुछ और देखने को नहीं मिला? सुबह सुबह और क्या देखूंगा? कॉफी। वाह, शेफ शिवा के हाथ की कॉफी। करेक्ट। अब तुम्हारा ये होटल शेफ शिवा चला रही है। शिवा विद बेनिफिट्स। तुम्हारा टिफिन मैंने खुद बनाया है। अच्छा बताओ शाम को क्या खाओगे? I'll make something. बच्चों को क्या पसंद है पता? तुम्हारे घर में फ्रूट्स नहीं है यार, इट्स नॉट हेल्दी। बच्चों के घर में ना फ्रूट्स होना बहुत जरूरी होता है। ओह माय गॉड यूरी, तुमने पहली बार माना कि तुम्हारे तीन बच्चे हैं? पता है ये मेरा असर। बाय द वे तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कौन सा बच्चा, मेरा मतलब है कौन सा फ्रूट पसंद है? फ्रूट्स मैं तो फ्रूट्स खाता नहीं हूँ। मैं फ्रूटेरियन, मतलब मैं फ्रूट वाला नहीं हूँ। माय मदर वाज अ डायबिटिक, तो मीठा कांट डू इट। ओह, पर मैं तो तुम्हारे लिए केक बना रही हूँ। केक? वो मेरे लिए? हाँ। But मेरा तो जन्मदिन 6 महीने बाद है। कब? कब मत, नहीं कब कब, क्यों क्यों पूछ रही हो? मैं तो जन्मदिन सेलिब्रेट ही नहीं करता हूँ यार, और केक नहीं खाता हूँ तो नो जन्मदिन, नो बर्थडे केक, आई एम वेरी बोरिंग, नो नीड, नो नीड। इस बार खा लो ना प्लीज, मैं बहुत प्यार से बना रही हूँ। तुम्हें थैंक यू कहना है मुझे अपनी जिंदगी, मेरा मतलब है मुझे अपने घर में जगह देने के लिए। खाओगे ना? क्योंकि या ऑल गुड, बस काम पे जाना है। ओके। या चेंज करके जाओगे ना? या ऑफ कोर्स, इन कपड़ों में इसके साथ अजीब होगा ना। आई चेंज। वो टिफिन तो
कहाँ फंस गया यार यूडी? हेलो स्ट्रेंजर, क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार आई गेस। ग्रेट, तो आज रात? रात? तुम्हें रात का इंतजार करने की जरूरत कब पड़ी? हाँ दैट्स ट्रू, मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। केक रेडी, साथ में काटें? अरे नहीं यार, वो डायबिटीज मीठा। कम ऑन प्लीज। ओके, खुश? हाउ इज इट? अमेजिंग, बेस्ट केक एवर। सी यू। तू पागल है, तुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी? सो व्हाट, जरूरी अगर तुझे फिल्म अच्छी लगी हो तो मुझे भी अच्छी लगनी चाहिए। हाँ हाय शिवा आंटी। Hi. यार ट्विंस का मतलब कंटिन्यूअसली ट्विनिंग थोड़ी होता है। Shut up. What is wrong with you? Awesome. ये आपने बनाया? हाँ। कोई स्पेशल ओकेजन या जेएलटी? जेएलटी? Just like that? Oh yeah. Just like that. बच्चों के लिए केक बनाने का कोई रीजन थोड़ी होता है। Yeah, but मैं आदत है ना बिना रीजन केक खाने की। सो तो जब तक ना हो ना आदत डालो। से अब तो जिससे कोने की आदत हो रही है। बहुत शुक्रिया। वैसे आप केक खाओगे? नहीं नहीं, तुम दोनों खाओ। थैंक यू यार, बुखड़ मेरे लिए केक रखना। और बताना कैसा लगा? या बहुत सिंपल रूल है, जितनी आसानी से सेक्स मिलता है ना उतनी मुश्किल होती है प्यार ढूंढने में। तुझे अगर प्यार चाहिए तो सेक्स ढूंढना बंद कर दे, अगर सेक्स चाहिए तो प्यार ढूंढना बंद कर दे। I'll just come back, okay? One second. Hi. Hi. What happened to you? No, इसको मत खोल यार। What? I don't know, it's dangerous. Dangerous? क्या तुम्हें पता मुझे घर का खाना पसंद नहीं है? क्या कर रही हो तुम? What are you doing? Stop it. Hey, let me see. But don't do it. Why don't try it? तो खाना तो अच्छा है। वो टिफिन पैक कर रही है। चलो, मम्मी को घर पे रखने का कुछ तो एडवांटेज हुआ। अरे तू ही तो कहता था। वाली बात हो रही है कि कोई लड़की रात बिता रही है यार। So then? हाँ हाँ, that's very cute पारो, but मैंने उसको घर पे रहने के लिए बोला, बसने को नहीं। तो निकाल दे। लेकिन टिफिन सर्विस प्लीज कंटिन्यू रखना, the food is really good. But will you stop it? ऐसे थोड़ी ना होता है यार। I can't tell her to go and then to stay. And the problem is I really want her to stay, यार। I do, but I don't want this. तो पूछ लेना। अगर पूछ भी लिया और गलत जवाब निकला तो यार तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। वाओ, दोस्त भी है? गुड 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 चॉइस एक्चुअली, ऐसे दोस्त होने चाहिए। पारो यार यू ना, तुम हर चीज मजाक लगती है ना लाइफ में। क्यों लिसन नो नो नॉट ओके, आई एम तुम नहीं समझ रही यार, ना खा पा रहा हूं ना छोड़ पा रहा हूं। I was going to crack a really bad joke, but I get it. You kind of look really f***ed. I am. Hey, so I'll be serious. The crossroads pe hai. Agar tujhe meaningless sex chahiye, to phir phone utha de. You know I'm all for that. But look at me. Agar tujhe relationship chahiye, to phir ghar ja and baat kar usse. I'm taking this food, okay? Thanks. Yaar, tu kaise baat kar rahi hai yaar Gauri? नए रिश्ते में तो सब कुछ हॉट हॉट होता है ना, यहाँ कभी हॉट कभी कोल्ड, कभी लगता है इट्स कंप्लीटली इनटू मी और कभी लगता है कि मुझसे दूर भाग रहा है। आज सुबह तो अपनी माँ को डायबिटीज दे दिया केक अवॉइड करने के लिए। मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा कि तो रिश्ते को कैसे हैंडल करूँ। रिश्ता? वन सेकंड, तू पागल है क्या? हाँ पागल है। रिश्ता? मैंने तुझे वहाँ पे स्लट बनने के लिए भेजा, तू वहाँ पे मम्मी बन के बैठी है। यार 15 साल कम थे क्या उस निखिल के साथ चिपकने के लिए? तू पागल है क्या? कोशिश करने का मतलब चिपकना नहीं होता। नहीं शिवा, चिपकने का मतलब कोशिश करना नहीं होता। यार 12 साल से ना लोगों के रिश्ते तोड़ तोड़ के डिवोर्स करा रही हूँ, इतना तो सीख गई ना कि कुछ रिश्ते पहले ही खत्म हो जाते अगर औरतों ने चिपकू चिपकू खेलना बंद कर दिया होता। तू तो बचपन से चिपकू चैंप है ना। मैं कहती हूँ तू लिबरेट कर ले अपने आप को,
छोड़ दे सारे बंधन तू, मैं कह रही हूँ लिसन, लेट्स मेक सम सेक्सी टाइम शिवा, फॉर यू एंड फॉर मी, सेक्सी टाइम, हां हे आरी, लेट मी कॉल यू बैक, लिसन, हाय, कुछ खाओगे, कुछ बना दूं तुम्हारे लिए, सैंडविच खाओगे, ब्रेड बटर जैम पसंद है तुमको? एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, पर जहान को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे ना रोस्ट चिकन पसंद है। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए भी बना देती, लेकिन घर में चिकन ही नहीं है, एक्चुअली घर में कुछ भी नहीं है, सोच रही थी कि जाकर थोड़ा लेकर आऊं, पर तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें जो पसंद होगा मुझे बता देना, हाँ मैं ले आऊंगी। तुम्हें चाइनीज पसंद है? पास्ता, वो तुम्हें वो प्रोटीन बार पसंद है? मतलब तुम्हें जो भी पसंद है ना मुझे बता देना, मैं वो ले आऊंगी। ओके अभी ये भी फिलहाल ये सैंडविच। मेरी मोहम्मद बनिएगा। शिवम, मैंने कभी होममेड केक खाया नहीं। I always thought it was too dry. But obviously मुझे अपना टेस्ट बदलना चाहिए। तुम्हें अपना टेस्ट बदलने की जरूरत नहीं है यूरी। यार शिवम, मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो यार। Searching for something? No, no, nothing. Bye. Bye. Shiva aunty, main cake le lu? Yeah, of course. Aap khaoge? Nah, yeah. Obviously. वैसे केक खाने की तो आदत हो गई है, बट आई डोंट नो आप सोफा भी सेट करते हो। वो तुम्हारा बॉडी वॉश खत्म हो गया है, मैं दूसरा रखना भूल गई, लेकर आई हूं। हाँ
क्या भाई? आपकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट है। जहाँ वो एक्चुअली शिवा आंटी कहीं मिल नहीं रही थी, आपको पता है कहाँ है? गौरी मासी की होगी ना, मैं वही चली जाती हूँ। जहाँ मॉम्स बिजी, अगली बार से पूछ के आना। जहाँ जहाँ शिवांटी को भी बर्बाद कर देगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लिसन, इसमें तुम्हारे मॉम की कुछ गलती नहीं है, मेरे डैड से मुझे देखो। यू नो वॉट मॉम, आपको ना बेस्ट मॉम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए थे कि आपको ये भी ध्यान नहीं रहा कि आपकी बेटी हॉस्टल से अकेली आई है। इट्स टू लेट मॉम, बेटी और बॉयफ्रेंड के बीच में गैस हुआ ना। इट्स कूल मॉम, सबको अपनी नीड्स के बारे में सोचने का हक है, मुझे भी और आपको भी। मेरी बीवी और बेटी तो का ऑफ में यार, ये तुम्हारे घर पे क्या कर रही है? अपना घर बैंक को दे दिया, तुम किंग टच है, टच है, साइड हो यार। तुझे क्या लगता है कि तू शिवा की तरह जानू को भी मुझे छीन लेगा? लिसन टू मी यूडी, लाउड एंड क्लियर, इफ यू फक माय वाइफ और माय फैमिली, आई विल फकिंग पुट अ बुलेट थ्रू योर हेड। आई एम नॉट गो हेड यू, आई एम स्टैंडिंग राइट हियर, पुट इट, पुट इट, ये शिवा, जानू, जानू तुम यहां पे क्या कर रही हो? तुम ठीक तो? निखिल प्लीज, यहां सबके सामने तमाशा करने, सबके सामने तुम सब कुछ करो, मैं चुप रहूं? Double standards you have, Shiva. Please, Nikhil. Nikhil, please, Nikhil, please. What? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जानू अकेले हॉस्टल से आई है? अकेले? अरे किस किस्म की माँ हो यार तुम? You have no fucking idea. Shiva, कोई तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता है। Yes. अच्छा, तो अब तू मुझे समझाएगा कि मैं अपनी बीवी से बात कैसे करूँ? हरामजादे। Yes. देखो शिवा, ये है मेरा प्यार, तुम्हारे लिए, जानू के लिए, और तुम इसके साथ छोड़ रही हो? But how desperate are you? मैंने तुम्हें पूरा घर ऑफर किया था, बट तुम्हें इस गटर की जरूरत है ना? शिवा कुछ बोलो। अबे इसको क्या बोल रहा है बे? पहले अपने तो संभाल ले। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कोर्ट से कस्टडी वापस ले रहा हूं। या मैं भी देखता हूं कि कौन सा कोर्ट एक जवान लड़की को एक ऐसे आदमी के साथ रहने देगा जिसने अपने खुद के तीन बच्चे लवारिस कर दिए। यू हर्ड मी एंड नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अब कुछ कहने को बाकी नहीं है तो फिर चुपचाप बस खड़ी रह दो, ऑलराइट? चल चल। जानते हैं मामा मुझे चुप क्यों रहती है? मेरी वजह से। और पता है मैं हॉस्टल से वापस क्यों आई हूँ? मॉम की आवाज बनने। डैड, I'm sorry, but I'm gonna stay here with mom. जानू, जानू मैं तुम्हें लेने आया हूँ बेटा। जानू, जानू। Well done, super mom. मेरी बेटी को तुमने मेरे ही खिलाफ कर दिया। मेरी बेटी मेरी आवाज बनने आई है, सुना तुमने? मेरी बेटी मेरे लिए वापस आई है। जाओ, शक्ल मत दिखाना अपनी दोबारा। तुम पता है ये सारी हिम्मत कहां से आ रही है यूडी? तुमसे। शिवा को ये लगता है कि अब तुम उसका ख्याल रखोगे और जानू का भी। अपनी खुद की बीवी बच्चों को तो छोड़ के भाग गए थे ना तुम। But anyway, welcome to a happy new family, यूडी। And do me a favor, call me if you need some tips.
family management, but get out of my house. You're gonna fail so badly. चल भाई शिवा को ये लगता है कि अब तुम उसका ख्याल रखोगे और जमा कभी तुम खुद की बीवी और बच्चों को छोड़ के भाग के आए थे ना अरे थोड़ी सी टेंशन इसे भी लेने दो बाप है बच्चों का नेचुरल आर्ट बने होते ना परफेक्शन तो आ ही जाता है यू आर गोना फेल सो बैडली पता है बेटा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की लेकिन तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसमें मैं कभी गलत नहीं हो सकती मैं सचमुच मॉम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लूंगी वर्स्ट मॉम ऑफ द ईयर नहीं अभी उसके नंबर का मैं आपके मॉम यहाँ क्यों रह रही हैं आप नाना नानी है ना हम वहां चले जाएंगे पर यहाँ क्यों रहना है प्लीज बेटा 40 की उम्र में अपने माँ बाप के घर जाने का मतलब है कि मैंने अपनी हार मान ली मैंने मान लिया है कि निखिल के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ ये लड़ाई मैं अपने दम पर लड़ना चाहती हूँ मॉम आपको उनकी जरूरत नहीं है मैं हूँ तुम हो इसलिए ये लड़ाई जरूरी है कि 20 साल बाद तुम ये ना कहो कि मॉम मैं थी ना आप एक बार लड़के तो देखते मॉम मैं हमेशा आपके साथ हूँ जानती हूँ बेटा या तो गलती की जा सकती है या गलती ना करने का रिग्रेट किया जा सकता है गलती करके सुधारी जा सकती है लेकिन रिग्रेट वो हमेशा एक ही आत्मनगर आपके साथ रहती है आपको इस यूडी अंकल पे पूरा भरोसा है उसने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मेरा भरोसा टूटे आई डोंट थिंक वो कभी जानबूझकर मुझे हर्ट करेगा तुम तो सुबह में आने वाले थे गलत रास्ता चला गया था